ये देखो घर पे खड़े हैं बैठे गरीबी में बैठेंगे ना वीसी में, वीसी में आदमी घर पे बैठता है। सर माइक आईडी, माइक आईडी से बात कर रहे हैं। ये वीसी की बात है जो बताए आपके सामने बताए, इसलिए मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। अरे इम्पोर्टेंट घोष ये नहीं है, इम्पोर्टेंट घोष ये बात है कि सच ये इनके घर के सामने जो बात हुई थी, एक जिसकी हत्या हुई वो, दो इसकी हत्या को कौन जिम्मेदार है वो, तीन ये सीरियस बात आप छोड़कर आप ड्राइवर कर रहे हैं ये बात ठीक नहीं। इसका मुझे कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे बाला साहब थोराट और अशोक चव्हाण, उन्होंने कहा बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है लेकिन इसका भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। आपके सहयोगी दल का ये बयान आया है जो महाराष्ट्र के इंचार्ज है उनके पार्टी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड विवाद किया, उन्होंने क्या कहा मुझे मालूम है क्योंकि मुझसे बात नहीं की। जहाँ तक मुझसे बात हुई तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन, इस पर मैंने कमेंट करना ठीक है, और किसी ने कुछ होगा तो इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। और सब ऐसा भी कुछ है कि एनसीपी में कुछ लोग चाहते हैं कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दें, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं। सर आई नो संजय संजय राठोड्यांचा एकीकडे राजीनामा घेतला होता, दुसरीकडे गृहमंत्र्यांवर एवढ्या गंभीर स्वरूपाचे आरोप होत असताना गृहमंत्र्यांचा राजीनामा का घेतो भाऊ नये अशी देखील म्हणजे असं काय आरोप नाही। प्रेशर और डिस्कस फ्रॉम शिवसेना साइड विथ मी डॉक्युमेंट्स यू हॅव गिव्हन दॅट अनिल देशमुख केप्ट यू इन द डार्क गिव्हिंग दीज डॉक्युमेंट्स व्हाइल ही इज डूइंग अ प्रेस कॉन्फरन्स ऑन 15 फेब्रुवारी विथ लॉट्स ऑफ माइक्स लाइक वी माइट हॅव होता है ना। हम मेरे पास कई बार हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉन्फ्रेंस होती है, अकेले नहीं प्राइम मिनिस्टर रहते और पार्टी के नेता होते। मैं मुंबई से बात करता हूँ, एक इलाहाबाद से बात करता है, एक लखनऊ से बात करता है, ये सिस्टम आजकल है। आज आम जैसी हमेशा आजकल हम लोग आप लोगों को बुलाते नहीं है। अनिल देशमुख म्हणले मी हॉस्पिटल मधून घरी जाताना हे सगळे उभे होते, मी 2 मिनिटं थांबून त्यांच्याशी बोललो। क्लिअर करून द्या जो इन्फॉर्मेशन मुझे लिमिटेड आहे वहां तक बात करू ना। नो क्वेश्चन इनफ आई हैव रिप्लाइड। जो हमारी सरकार है वो अनिल देशमुख को क्या क्लीन चिट देने की जल्दबाजी कर रहा है? कि जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो अनिल देशमुख को क्लीन चिट देने में कितनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? किसकी जल्दबाजी की? सर यू आर सेइंग कि हम लोग को कोई जरूरत नहीं है अप्रोच की, ऐसी कोई खास जरूरत लगती नहीं है। मैंने कहा कि अभी जो हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन आई है इससे ये बात दिखाई देती है कि मेन इशू को डाइवर्ट करने की साजिश करती है। कोई नहीं कह रहा है दो नंबर जैसे आप ब्रीफिंग हम लोग से बातचीत कर रहे हैं, अभी तमाम लोगों ने पूछा जैसे आप ब्रीफिंग कर रहे हैं उसी तरह अनिल देशमुख का ब्रीफिंग है, तो आप जिस आधार पर उनको क्लीन चिट देने की बात करें आपको नहीं लगता कि मैंने इतना कहा? मैंने इतना कहा कि उस समय वो हॉस्पिटल में थे, ऐसा मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये बात मैंने आपको कही। मैंने ये कहा था कि भाई सीएम साहब की अथॉरिटी है, सीएम साहब इसमें जो कुछ कर सकते हैं
आवश्यकता उनसे रहती है वो कर सकते हैं। और ये मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूँ सर, इसी में सवाल है एनसीपी का क्या स्टैंड है? एनसीपी चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अनिल देशमुख और परमवीर वाले। बात एनसीपी के प्रेसिडेंट के सामने ये कागजात आने के बाद इसमें जो एलिगेशन हो रही है ये क्लियर हो नहीं रही। ऐसी परिस्थिति में खाली किसी ने तो एलिगेशन किए, अच्छा एलिगेशन किसने किए जिसके खिलाफ कुछ न कुछ कदम उठाए गए थे और इससे नाराजगी हो रही थी, ऐसे लोगों ने एलिगेशन किए थे। इस बारे में जो कुछ गवर्नमेंट को करना, अल्टीमेटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट जी जो फाइनल रहता थी, चीफ मिनिस्टर जो फाइनल रहता थी, दे गॉट एवरी राइट टू वेदर दे वांट टू इंक्वायर देयर ऑफिसर देयर मिनिस्टर। We have no objection. We will not come in that issue.